गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। आदमी भूलता बहुत है, ऐसा स्वभाव है कि ज्यादा याद नहीं रहता। पढ़ाई में भी यही समस्या है कि आदमी भूल जाता है, परीक्षा के समय बड़ी कठिनाई होती है, अच्छी बातें सुनता है भूल जाता है। यह भूलक्कड़पन एक स्वभाव है, छोटे भी भूलते हैं बड़े लोग भी भूल जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि 5-10 आदमी घूमकर आ रहे थे, बाजार के पास पहुंचे, सामने से कुछ स्त्रियां आई, तो स्त्री सामने आई, उनमें एक आदमी था, जब एक स्त्री को देखा और बोला, बहन जी नमस्ते, नमस्ते। उसने सोचा, अरे मेरा पति मुझे क्या कह रहा है कि बहन जी नमस्ते। इतने में नहीं हुआ, अपनी ही पत्नी को भूल गया, फिर ऐसे ध्यान से ऐसे हाथ कर आंख से देखा, तो बोला, बहन जी मैंने कभी आपको देखा तो है कहीं। इतना भुलक्कड़ होता है कि अपनी पत्नी को भी भूल जाता है, और क्या कहें। एक नहीं, ऐसी अनेक घटनाएं हैं। एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि जाओ बाजार जाओ, साग सब्जी ले आओ, झोला दे दिया। घंटा भर बाद झोला लिए आया और पति ने पूछा, क्या साग सब्जी ले आए? तो गए थे ना, खाली हाथ क्यों आए? कि मैं गया तो था पर मुझे याद नहीं रहा कि मुझे क्या लाना है, इसलिए आ गया मैं वापस। ये हंसी की बात नहीं, हर आदमी भूल जाता है। अच्छी अच्छी बातें सुनता है, और एक दिन भी याद रहना मुश्किल है। अगर किसी से पूछा जाए कि तुमने 5 दिन पहले क्या खाया था, तो भी याद करना मुश्किल होता है। भुलक्कड़पन आदमी का स्वभाव है। अच्छी बातें सुनी और भूल जाओगे तो लाभ नहीं होगा, इसलिए विद्यार्थी को एक प्रयोग करना चाहिए जिससे वह भूले नहीं। कि जो बात सुनी उस बात को लंबा श्वास लें और 5 बार दोहरा दें तो बात पक्की हो जाएगी। पढ़ने की भी यह कला है कि हम श्वास के साथ जिस बात को जोड़ दें, श्वास लंबा लें सुने और फिर श्वास लंबा लें उस बात को 2-4-5 बार दोहरा दें, तो वह बात पक्की जम जाएगी। कठिनाई यह है कि विद्यार्थी को श्वास लेने की कला नहीं सिखाई जाती। श्वास तो सब लेते हैं, जीवन का लक्षण है श्वास। वही आदमी जिंदा है जो श्वास लेता है,
और जो श्वास लेना नहीं जानता वह जिंदा नहीं होता। तो श्वास तो सब लेते हैं पर श्वास लेने की कला नहीं जानते कि श्वास कैसे लेना चाहिए। छोटा श्वास जो लेता है तो वहां स्मृति भी कमजोर हो जाती है, गुस्सा भी ज्यादा आता है और अपराधी भी बनता है। अच्छा श्वास, लंबा श्वास लेना सीख जाए। विद्यार्थी को बहुत सारी बातें पढ़ाई जाती है पर जो जीवन की मूलभूत बातें हैं वे कम पढ़ाई जाती हैं। कैसे चलना चाहिए, चलना भी एक कला है, कैसे चलना चाहिए यह नहीं बताया जाता। कैसे बैठना चाहिए यह भी कला है। मेरे सामने एक विद्यार्थी बैठा है, ऐसे हाथ है, ऐसे हाथ करो तो चिंता नहीं है तो चिंता उतर आएगी, चिंता आ जाएगी उसमें। ये चिंता का लक्षण है, ये मुद्रा है। करेल पल्लथ मुहे सोग सागर निमग्गे निमज्जे, प्राकृत साहित्य में आता है कि एक व्यक्ति गया और जाकर देखा कि एक व्यक्ति ऐसे बैठा है, करयल पल्लथ मुहे, मुंह को तो ऐसे हाथ में रखा है, तो पता लग गया शोक में डूबा हुआ है, चिंता में डूबा हुआ है। ये चिंता का लक्षण है। कैसे बैठना चाहिए, सीधा बैठे, हाथ की मुद्रा ऐसे रहे या ऐसे रहे, ऐसे ऐसे ये कभी मुद्रा न बने। ऐसी मुद्रा बनती है तो भाव चिंता का नहीं है तो भी चिंता आ जाएगी, भाव खराब आ जाएगा, नकारात्मक भाव आ जाएगा। बैठना भी एक कला है और इसी आधार पर हमारे पूर्वज साधकों ने, योगियों ने आसन का एक बड़ा विधान किया है। आसन, आसन के 84 प्रकार, और कहा यह जाता है कि शिवजी ने 84 लाख आसन बतलाए थे। बैठने की इतनी मुद्राएं हैं, हजारों मुद्राएं हैं, और बैठने के द्वारा हम बहुत विकास कर सकते हैं अगर अच्छा बैठें तो। बैठने की कला है कि सीधे बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, बहुत जरूरी है। यह तो सब जानते हैं कि पशु में और मनुष्य में एक अंतर है, और बहुत सारे अंतर है, एक अंतर है रीढ़ की हड्डी का, कि मनुष्य की रीढ़ की हड्डी सीधी है और सबकी किसी की सीधी नहीं है। कभी कभी बकरी ऐसे कुछ खाने के लिए ऐसे सीधी होती है, थोड़ी देर के लिए वापस वैसे ही मुड़ जाती है। सब चार पाए, मनुष्य दो पाया, सब चार पैर से चलने वाले हैं, अब मनुष्य दो पैरों से चलने वाला है, इसका कारण क्या है? कि मनुष्य की रीढ़ की हड्डी सीधी है इसलिए उसे चार पैरों से चलने की जरूरत नहीं, दो हाथ स्वतंत्र रहते हैं, दो पैरों से चलता है। पशुओं की रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है इसलिए हाथ अलग नहीं, चारों पैर बन गए, हाथ रहे नहीं। और जब हाथ नहीं रहता तो विकास नहीं हो सकता। पशुओं ने विकास क्यों नहीं किया? तो उनके पास हाथ नहीं है, हाथ पैर के काम आ रहे हैं। हाथ पैर के काम क्यों आ रहे हैं? कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, तो वे चार पाए हैं। और मनुष्य का सारा विकास हुआ है हाथों के द्वारा हुआ है। यह विद्यालय का भवन बना, पैर से बना, हाथ से बना। अगर हाथ नहीं होते तो भवन नहीं बनता, न कपड़ा बनता, न रोटी बनती। पशु कभी चूल्हा नहीं जलाते, रोटी नहीं बनाते, क्योंकि हाथ नहीं है। न कपड़ा बनाते, न मकान बनाते, न ये माइक बनाते, कुछ भी नहीं, न घड़ी बनाते। ये सारे कौन बनाते? हाथ बनाते हैं। हाथ का विकास,
पशुओं में हाथ का विकास नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्या रीढ़ की हड्डी नहीं? तो हम समझ सकते हैं क्या रीढ़ की हड्डी का कितना मूल्य है। अगर रीढ़ की हड्डी सीधी न हो तो कोई आदमी विकास कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये उसके हाथ नहीं हो सकते, सारा पैर बन जाते हैं, हाथ के बिना विकास नहीं हो सकता। इसीलिए जो भी आशीर्वाद मांगते हैं तो कहते हैं कि आपका बरद हस्त मेरे सिर पर रहे, बरद हस्त सिर पर रहे। इसका मतलब हाथ में कितनी ताकत है, हाथ में कितना एक महत्व है कि बरद हस्त सिर पर रहे। जब कोई शिष्य आता है तो गुरु उसके सिर पर हाथ रखते हैं, हाथ रखते हैं तो वह प्रसन्न होता है। एक बार ऐसा हुआ कि तेरा पंथ के एक आचार्य जिनका नाम था भारमल, कुछ साधु आए और उन्होंने सिर पर हाथ नहीं रखा, तो जो शिष्य आए अनमने हो गए और बोले, गुरुदेव कौन सा अपराध हो गया, हमारी कौन सी भूल हुई कि आपने हमारे सिर पर हाथ नहीं रखा। एक प्रश्न होता है कि बरद हस्त, बर देने वाला हाथ, हाथ का इतना महत्व है, और हाथ का महत्व क्यों है कि उसमें कर्तृत्व है। हमारा सारा कर्तृत्व कहाँ है? हाथ में छिपा हुआ है। आदमी जो भी काम करता है, आप लोग रोटी खाते हैं हाथ से खाते हैं, एक पशु रोटी जो घास चरेगा हाथ नहीं है तो केवल मुंह से सीधा करेगा। आदमी तो एक रोटी है टुकड़ा कर करके खा सकता है, पशु तो वैसा तोड़ नहीं सकता, उसके मुंह भी से काम लेना होता है। तो हाथ का इतना महत्व है। उपनिषद साहित्य में आता है कि यस्य दशांगुले, जिसके पास 10 अंगुलियां है उसे किस बात की चिंता। आज लोग बहुत चिंता करते हैं कि गरीब हैं, फलाने हैं, क्यों है, कि वे अपनी अंगुलियों का ठीक उपयोग करना नहीं जानते या उन्हें सिखाया नहीं जाता। फलाने हैं, क्यों है, कि वे अपनी अंगुलियों का ठीक उपयोग करना नहीं जानते या उन्हें सिखाया नहीं जाता। अगर हाथकार अंगुलियों का ठीक उपयोग करना जाने तो पशु जब पेट भर सकता है तो आदमी क्यों नहीं भर सकता। बड़ा महत्व है हाथकार अंगुलियों का, उस महत्व का आधार है रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी हो, हम सीधे बैठ सके। स्वास्थ्य का आधार भी यह, मनुष्य स्वस्थ रहता है, स्वस्थ रहने का आधार सीधा बैठता है, वह एक उसका आधार है। अगर ऐसे ही बैठेगा, मुड़कर बैठेगा, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी तो स्वस्थ नहीं, बीमार भी हो जाएगा। आयुर्वेद का विधान यह है कि जो भी काम करो रीढ़ की हड्डी को सीधी रखो। जैसे पानी पीना है ऐसे सीधा पियो, ऐसे होकर टेढ़ा होकर पियोगे तो रोगी बन जाओगे। खाना पीना बोलना भी है तो सीधा बोलता है तब तो ठीक है, ऐसे होकर बोलेगा तो वह भी अच्छा नहीं होता। यानी हर हालत में रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहनी चाहिए, यह है बैठने की कला। हम लोग जीवन विज्ञान के द्वारा ये बातें सिखाते हैं कि कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे खड़ा होना, कैसे सोना, सोना भी एक कला है, तो सोने की कला को नहीं जानता तो वह भी बीमार होता है, या फिर नींद पूरी अच्छी नहीं आती, या सपनों की रात बीत जाती है, सपने ही सपने लेता रहता है और बुरे विचार आते रहते हैं। ये बहुत छोटी छोटी बातें, पर जब ये छोटी बातें, जीवन की छोटी बातें नहीं सिखाई जाती
तो बड़ी बातें निकम्मी हो जाती है। और बहुत सिखाया जा रहा है, इतनी कला, इतना विज्ञान, आज तो इतना सिखाया जा रहा है कि एक बेचारा विद्यार्थी भी परेशान हो जाता है, ज्यादा सिखाया जा रहा है। और जो आवश्यक बात है जीवन के लिए वह नहीं सिखाई जा रही है। यही तो हमारी एक कमी है शिक्षा की, कि जीवन कैसे जीना चाहिए वह नहीं सिखाया जा रहा। तो अच्छा जीवन जीने की बात, एक तो ये बात आ गई कि कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे खड़ा होना, कैसे सोना, कैसे बोलना और कैसे खाना। कैसे खाना, खाना भी एक कला है, कैसे खाना चाहिए, कैसे खाना। जो खाना नहीं जानता तो वह भी स्वस्थ नहीं रह सकता। कैसे खाना चाहिए कि चबा चबा कर खाए, ऐसे नहीं कि जल्दी खा ले, ऐसे खा ले जैसे कोई लेटर बॉक्स में लेटर डालना हो वैसे, बस गबा गब। कुछ आदमी आते हैं कहते हैं कि मैं तो 10 मिनट में खा लेता हूँ, कौन सी बड़ी बात की तुमने और बीमारी को बुलाया। कम से कम खाए, एक रोटी खाए चबा कर तो 10 मिनट लग जाए, पूरे भोजन में तो 20 मिनट आधा घंटा लगे तब हो। तो खाने की भी एक कला है, बोलने की भी कला है, कैसे बोलना चाहिए। कड़वी बात बोलते हैं तो लड़ाई झगड़ा होता है, मीठा बोलना, मधुर बोलना, धीरे बोलना, कोलाहल नहीं करना। विदेशों से एक बात तो सीखी जा सकती है कि विदेशी लोग जोर से नहीं बोलते, बहुत धीमे से बोलते हैं। हरियाणा तो इतने जोर से बोलते हैं कि 100 आदमी भी इतना हल्ला करते हैं कि आकाश पाताल को एक कर देते। कैसे बोलना, ये सारी बातें। अब दूसरी बात कि आपसी संबंधों में मधुरता रहे, कटुता न आए, सहन करने की शक्ति रहे। एक विद्यार्थी में सहन करने की शक्ति भी होनी चाहिए, होनी बड़ों में चाहिए, पर शुरू से सीखा जाए सहन करना। आजकल तो ऐसा हो गया कि मास्टर भी अध्यापक भी कुछ कहते हैं तो सहन नहीं कर पाते। छोटे विद्यार्थियों की बात मैं छोड़ दूं, बड़े विद्यार्थी जो है, जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनमें तो ऐसी स्थिति है कि प्राध्यापक डरते हैं कि कुछ न कहें तो, अच्छा कह दिया तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। छोटे तो नहीं करते होंगे समस्या, गांव के विद्यार्थी तो शायद नहीं करते हैं, पर शहरों के तो छोटे विद्यार्थी भी समस्या पैदा कर देते हैं। कारण कि सहन करने की शक्ति नहीं। संकल्प करें कि हमें सहन करने की शक्ति का विकास करना है, विनम्रता का विकास करना है। जहां विनम्रता हो, सहन करने की शक्ति हो, वहां शांत सहवास हो सकता है, नहीं तो लड़ते रहते हैं। लड़ते हैं, पति पत्नी बहुत लड़ते थे, बहुत लड़ते, क्योंकि न पति में सहन करने की शक्ति थी और न पत्नी में सहन करने की शक्ति थी। जहां दो होते हैं और सहन करने की शक्ति नहीं होती, वह बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती है। कोई आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा था और इतने तेज बोल रहे थे कि कोई बाहर के आदमी आ गए और बोले, इतने तेज क्यों बोलते हो, क्यों लड़ते हो, क्यों लड़ते हो। तब बोला, भी क्या बताएं, जिस दिन शादी की उस दिन से लड़ाई शुरू हो गई, अब 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्ष, पहले वर्ष में तो फिर भी ठीक ठाक चलता था, बहुत कम होती थी लड़ाई, होती पर कम। और ये पत्नी मुझे प्राणनाथ कहती थी। दूसरे वर्ष में फिर लड़ाई शुरू हो गई तो ये मुझे नाथ कहने लगी, प्राण छूट गया, नाथ कहने लग गई। अब तीसरा वर्ष है, मैं अनाथ हो गया। तो पत्नी बोली कि इनकी बात सुनी, मेरी बात भी सुन लो। पहले वर्ष
ये मुझे चंद्रमुखी कहते थे। और दूसरे वर्ष ज्वालामुखी, अब तो अग्निमुखी बना दिया बस। ये सारी स्थितियां क्यों बनती है? ऐसी मनोदशा और ऐसी भावधारा और ऐसी शब्दावली का प्रयोग क्यों होता है कि एक दूसरे को सहन नहीं कर पाती? असहिष्णुता में सारा ऐसा होता है। बहुत आवश्यक है हमारी सहन करने की शक्ति का विकास हो, तब शांत सहवास हो सकता है। एक दूसरे को सहन करना जानते हैं तो शांत सहवास हमारे पास। आजकल जब नए विवाह करके पति पत्नी परिवार के साथ आते हैं और परिवार के लोग कहते हैं कि इनको मंगल पाठ सुनाओ, आशीर्वाद दो, हमने कहा मंगल पाठ तब सुनाएं जब यह संकल्प लें कि हम एक दूसरे को सहन करेंगे, न कभी तलाक, न लड़ाई, न झगड़ा, एक दूसरे को सहन करेंगे, तब तो आशीर्वाद काम देगा। और नहीं तो वह पुरानी झोली में देवी ने सिद्धियां डाली, कपड़ा फटा, नीचे चला गया, आशीर्वाद भी नीचे चला जाता है। आशीर्वाद भी कब टिकता है? कब टिकता है? कि जब पात्रता हो, योग्यता हो, विद्या के द्वारा, शिक्षा के द्वारा योग्यता का विकास होना चाहिए। एक सन्यासी भिक्षा के लिए गया तो गृहिणी थी, घर की स्वामिनी, उसने कहा कि महाराज हमें कुछ शिक्षा दो, शिक्षा। सन्यासी ने कहा आज नहीं फिर कभी दूंगा। कुछ दिनों बाद सन्यासी आया, कमंडलू था, भिक्षा लेनी थी, वह सामने रखा भिक्षा पात्र। गृहिणी ने कहा महाराज ये तो क्या, मैंने तो आज खीर बनाई है, मैं आपको खीर देना चाहती हूं, पर इस आपके भिक्षा पात्र में तो कूड़ा करकट भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, आप इसको साफ करें। सन्यासी ने कहा नहीं, मैं इसी में डाल दो, इसी में डाल दो। बोली महाराज इसमें मैं खीर डालूंगी तो खीर भी खराब, आपके काम नहीं आएगी, मुझसे भी चली जाएगी, आप इसको साफ करें। कई बार कहा तब सन्यासी ने कहा लो साफ कर दो। वे ले गई, उसको साफ किया कि अब खीर डाल दूं, कहां डाल सकते। सन्यासी बोला कि तुम समझी कि नहीं, क्या तुमने कहा सीख दो, शिक्षा दो मुझे, तुम्हारे भीतर तो कूड़ा करकट कचरा भरा हुआ है, मैं सीख दूंगा तो मेरी सीख और खराब हो जाएगी। तुम कचरे में खीर भी नहीं डालना चाहती तो मैं मेरी शिक्षा के बोल कैसे डालूंगा? पहले साफ करो, भीतर को मांजो, भीतर में जो बुराइयां है, बुरे भाव है, उनको निकालो तो फिर मेरी शिक्षा काम देगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी पात्रता, पात्रता योग्यता बनाएं, योग्यता योग्यता बढ़ाएं। और मैं मानता हूं कि ये छोटी छोटी बातें सिखाई जाए तो विद्यार्थी या बड़ा आदमी कोई भी हो योग्य बन सकता है। केवल कोरी वर्णमाला पुस्तकों की पढ़ाई से नहीं, उस जीवन की पढ़ाई करना जरूरी है। और जिनके आधार पर हमारा जीवन चल रहा है, स्वास्थ्य के आधार पर हमारा जीवन चलता है, प्राण के आधार पर हमारा जीवन चलता है, रोटी पानी के आधार पर हमारा जीवन चलता है, सोने बैठने उठने के आधार पर हमारा जीवन चलता है, इन सब बातों का हमें प्रारंभिक अच्छा ज्ञान हो जाए तो अच्छा जीवन चल सकता है, व्यक्ति स्वयं शांति में रह सकता है और दूसरों के साथ भी शांति का व्यवहार कर सकता है। इसलिए हम एक बात पर सब ध्यान दें, शिक्षक भी, विद्यार्थी भी और दूसरे बड़े लोग भी, कि अच्छा जीवन जीना है तो अच्छे जीवन का संकल्प करें, बार बार उसको दोहराएं, अभ्यास करें और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर उनका विकास करें तो बड़ी बातें आ जाएगी।
छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो वह कचरा हर कचरे में खीद डालने में बड़ा संकोच होता है। इसलिए छोटी छोटी बातें सीखकर और अपने जीवन को बड़ा बनाएं। ओम आर ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे।